भाई मेरी प्रार्थना है कोई भी खड़ा न रहे, सब सभा में बैठ जाएं। और जो अब तक की जो जानकारी है वो एक बार मैं आपके बीच में रख रहा। तो चार दौर की प्रशासन के साथ वार्ता हुई है और कल शाम को भी जो वार्ता हुई, बातचीत मीटिंगों में सारी होती है लेकिन फैसला किसी पे नहीं होता। लंबी लंबी मीटिंग होती है, हम अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते हैं लेकिन कोई बात फाइनल हो वो बात सिरे नहीं चढ़ती है। इसलिए कल शाम को जो वार्ता हुई वो वार्ता हमारी टूट गई। हमारी सरकार और प्रशासन के साथ अब कोई बातचीत नहीं हो रही है। हमें लगातार चार दिनों तक बातचीत के नाम पे और वार्ता के नाम पे उलझाने का काम किया केवल, क्योंकि ये बात हम पहले भी कह रहे थे, बार बार कहते हैं कि बातचीत कोई भी करे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं लेकिन बात वही मानी जाएगी जो ये जनता चाहेगी और जो ये पंचायत चाहेगी और जो ये गांव चाहेगा। और हमारा जो मेन पेच फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है जो चार भाई हमारे जेल में बंद हैं उनकी रिहाई हो, और ये जो 302 का मुकदमा बनाया गया है इसकी वापसी हो, और शहीद जो परिवार है उसको 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उसके साथ में सरकारी नौकरी। कल हमने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमारी मुख्य मांगों को, सात मांगों को रखा कि हम इस बात को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं, ना आप उलझिए और ना हमें उलझाने की कोशिश करें। हमारी ये सात मांग है, सात मांगों को पूरा कीजिए उसके बाद हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही ढाक के तीन पाक, कोई फैसला नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं चल रही है और आपकी कमेटी ने मजबूती से सरकार और प्रशासन को मजबूती के साथ जवाब दिया। अब मेरी सबको यही प्रार्थना है, कल वकीलों से भी सलाह करी गई थी, परसों भी करी गई थी और आज कोर्ट के अंदर एक अप्लीकेशन भी जो धर्मपाल सारण जी है उनके बेटे के नाम से डाली गई है कि जो हमारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो हमें दी जाए, क्योंकि धर्मपाल सारण जी की मौत सिर में चोट लगने से हुई है। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, अगर पोस्टमार्टम ठीक तरह से नहीं हुआ तो फिर हम दूसरे प्रदेश में पोस्टमार्टम की डिमांड रखेंगे जहां पर बीजेपी की सरकार ना हो, गैर बीजेपी प्रदेश में। और साथियों ये बात भी कोर्ट में आज एप्लीकेशन में दी गई है कि हमें हमारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाए और बगैर शर्त के, सरकार और प्रशासन की बगैर शर्त के हम डेड बॉडी लेने के लिए तैयार हैं। आज ये बातचीत आई प्रशासन की तरफ से कि आप डेड बॉडी नहीं लोगे तो हम अपनी तरफ से अंतिम संस्कार करेंगे। हमने डेड बॉडी लेने से मना नहीं किया, हमारे साथी 9 तारीख को खाली हाथ लौट के आए थे कि प्रशासन डेड बॉडी नहीं देना चाहता, पहले समझौता चाहता है। अब भी वही बात कह रहे हैं कि हम अपनी डेड बॉडी लेने के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार और प्रशासन की बगैर किसी शर्त के हम डेड बॉडी लेंगे, किसी शर्त के साथ डेड बॉडी नहीं लेंगे। अभी थोड़ी देर में हमारे कुछ साथी जो है अग्रोवा के मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे और बगैर शर्त के डेड बॉडी देते होंगे।
तो हम अपनी डेड बॉडी लेने के लिए तैयार हैं। यहां से 5-7 गाड़ियों में कुछ साथियों को यहां से भेजेंगे और वो अपनी तैयारी भी रखें, जैसे ही सूचना आएगी आप सबको यहां से जाना भी है। दूसरी जो बात है, अब साथियों हमारी लड़ाई आमने सामने की है, अब लड़ाई पूरे तरह से सम्मान की है। गांव के सम्मान की लड़ाई भी है, गाय के सम्मान की लड़ाई भी है और पूरे हरियाणा के सम्मान की लड़ाई भी है। और जहां सम्मान की बात आती है वहां हम गर्दन कटा सकते हैं लेकिन कभी झुकाई नहीं आज तक। इसलिए यहां जितने भी हमारे युवा साथी बैठे हैं, खापों के प्रतिनिधि बैठे हैं और हमारे अलग अलग नेतागण बैठे हैं, टोलों के साथी बैठे हैं, सबसे अपील है कल लड़ाई हमारी सम्मान की है, कल हमारी अग्नि परीक्षा है। कोई कमी ना गांव की तरफ से छोड़ देना, ना गुहांड की तरफ से छोड़ देना। तमाम जो टीमें हैं वो अलग अलग जगह जा रही हैं, खापे अपनी मीटिंग कर रही हैं, सबको फोन कर रहे हैं, सबको सूचना दे रहे हैं और कल हमारे तमाम नेता चौधरी राकेश टिकैत जी सहित जितने हमारे किसान आंदोलन के नेता हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। तो आपने अपनी सभा भी चलती रहेगी और मेरी यह भी प्रार्थना है कि हम जो भी बात अपनी हम माइक पर रखते हैं, हम बहुत जिम्मेवार लोग हैं, हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं, हम अन्नदाता हैं इस देश के। हम अपनी जो भी बात रखें जोश और जज्बे के साथ रखें, श्रद्धांजलि दें, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा जरूर रखें। सरकारें मर्यादा तोड़ती हैं और मर्यादा तोड़ती हैं तो फिर नाश होता, लेकिन हम मर्यादा तोड़ने वाले लोग नहीं है, हम अनुशासन में रहने वाले लोग हैं और मर्यादाओं में रहने वाले लोग हैं। हमारे संस्कार बहुत मजबूत है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि मर्यादा में रह करके बात रखें, अपनी श्रद्धांजलि दें और तमाम साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कल के लिए कोई कमी मत छोड़ दियो। जितनी ताकत लगा सकते हो फोन पे लगा सकते हो, जाकर के लगा सकते हो, किसी गांव में जाना है, सबकी जिम्मेदारी लगाओ। और हमने भी अपील करी है सबसे कि जिसको जो मिले, रेलगाड़ी में आ जाओ, बस में आ जाओ, मोटरसाइकिल पे आ जाओ, ट्रैक्टर ट्रालियों में आ जाओ और कल सरकार को बता दो कि हमारी ताकत कितनी बड़ी है। सरकार को उसकी औकात बतानी है और इस आंदोलन को हमें जीतने का काम करना है। इसलिए कल के लिए मैं पुनः आपके बीच में कोई भाषण के लिए खड़ा नहीं हुआ, जो अब तक की जानकारी है वो आपके साथ साझा करनी थी। और कल के लिए जो प्रार्थना है, कल कोई कमी मत छोड़ देना। गौशाला के अंदर पंचायत का स्थान तय किया, क्योंकि मौसम भी बहुत गड़बड़ कर रहा, तो वहीं गौशाला में कल पंचायत चलेगी। मौसम खराब होने पर गौशाला में सेठ बड़े हुए हैं, हम अपनी पंचायत को तुरंत जो है वहां शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए वो जगह वहां पर रखी गई है गौशाला में। और विशेष रूप से खेतरवाड़ों से प्रार्थना है, कल जो है हर घर से ज्यादा हाजिरी आपकी पंचायत में हो और तमाम जितने जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनसे पुनः प्रार्थना है कल एक बार ताकत दिखा दो। उसके बाद देखना यही है कि ताकत हमारे में ज्यादा है या इस खट्टर सरकार में ताकत ज्यादा है। जोटा इतना तगड़ा मारो, जरूरत पड़ेगी तो हमारे में इतनी ताकत है, सरकार को ये बात भी कहना चाह रहे कि जरूरत पड़ेगी पीछे नहीं हटेंगे। खेतर से लेकर के और रणजीत चौटाला के घर तक ट्रैक्टर ट्रालियों की लाइन लगा देंगे, सिर से सिर जोड़ने का काम करेंगे। तो अपना कोशिश ये भी करो, जितने आसपास के गांव के गुहांड के हैं, अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां भर भर के और यहाँ खेतर पहुंचने का काम करो। आपने मेरी बात सुनी और जो अग्रोवा के लिए जिनको बोला गया है अपनी 4-5 गाड़ियां अपनी तैयार रखें, जैसे सूचना होगी सब साथी वहां जाने का काम करेंगे और मेरे साथ 2-3 नारे लगा देंगे। शहीद धर्मपाल सारण अमर रहे, शहीद धर्मपाल सारण अमर रहे, जय जवान जय जवान, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद।
महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।